दोस्तों, तब क्या हुआ जब इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म और व्यक्ति की एक गलती के कारण इच्छाधारी नागिन ने उसके साथ जो किया सुनकर लोगों के होश उड़ गए। तो ऐसे में वीडियो को आगे बढ़ाते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, सांप इस दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में शुमार होते हैं, जिनसे बचकर रहने में ही भलाई होती है, वरना इनके जहर से बच पाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि अच्छी बात ये होती है कि सभी सांप जहरीले नहीं होते। जहरीले सांपों में किंग कोबरा, करैत और ब्लैक मांबा आदि शामिल होते हैं। भारत में पाया जाने वाला नाग भी काफी खतरनाक होता है। तो दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है राजस्थान के एक छोटे से गांव चंदेला गांव की। दरअसल ये घटना घटित हुई चंदेला गांव के मुखिया और वहां के सबसे धनी इंसान आकाश जी के साथ। आकाश करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण और गरीब का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और आकाश जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहाँ एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहाँ से जल्दी से घर की ओर भागा। आकाश इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ गया था कि वो हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज थी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी, तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी, बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब आकाश हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, तभी चुपके से आकाश ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी, बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया, उसने अपने बच्चे पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुए जा रही थी और उसने आकाश से बदला लेने की ठानी, परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर आकाश को जैसी मणि मिली उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई, काफी महंगे भाव में बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि वो जो भी धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था और आकाश को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नाग मणि का कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। आकाश के इस रुतबे को देख एक अच्छा रिश्ता आकाश के लिए उसके पास ही के गांव से आया और अंजू नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। अंजू अपने पति आकाश को बहुत ही प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों ही एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर राजू नाम से आकाश के यहाँ उसका मुंशी बन गया और आकाश का विश्वास जीतने लगा। आकाश भी राजू के व्यवहार वफादारी को देख उसे अपने भाई समान ही मानने लगा। एक दिन अंजू अपने पति आकाश के पास आती और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन आकाश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी राजू के पास गया और बोला कि देखो राजू, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह लेकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं। और वो अपनी पत्नी और राजू को कार में बिठाकर गांव के एक कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे, तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और आकाश को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था।
आकाश बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखे सुकून का एहसास होता है। आकाश आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े से पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है जिसके कारण आकाश तो कार में ही फंसा रहता है परंतु उसकी पत्नी अंजू पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के नीचे बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों वो रात कार्तिक पूर्णिमा की थी। राजू अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। आकाश राजू को देख चौंक जाता है क्योंकि राजू अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन आकाश को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी इसी स्थिति में फंसी थी जब आकाश ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था उसके पति और बच्चे को मारकर और आज मेरे पास बदला लेने का मौका है। आकाश घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि तू भले मेरी जान ले ले परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है उसे छोड़ दे। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने आकाश का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और अंजू को उस पेड़ से निकाल बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब आकाश हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को वापस घर आ गया। दोस्तों कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। दोस्तों सांप को मारने के संबंध में अक्सर कई लोग कहने लगते हैं कि मत मारो इन्हें भगा दो या जाने दो। दरअसल इसके पीछे भारतीय अध्यात्म और दर्शन का ज्ञान छुपा है। भारतीय दर्शन में कहा गया है कि जीने का हक तो सभी को है इसीलिए किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए लेकिन ज्योतिष इससे एक कदम और आगे जाकर इसकी व्याख्या करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सर्प को मारने से सर्प दोष और पितृ दोष लगता है। इन दोषों की वजह से जीवन में कई तरह की परेशानियां कार्यों में बाधा और संतान संबंधी विषयों में कष्ट मिलता है। बहुत से लोगों की जन्म पत्री में काल सर्प सर्प दोष पितृ दोष होने की स्थिति में भी यही कारण बताया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की घटना। आपको ये घटना कैसी लगी और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आपने कभी इच्छाधारी नाग या नागिन को साक्षात देखा है। इसी के साथ अगर जानकारी पसंद आई वीडियो अच्छी लगी और ये घटना अच्छी लगी तो इस वीडियो को जाकर जल्दी से एक लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।